नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ अनिल रोहिला, वेलकम टू आवर चैनल देव RWET C। तो पहली वीडियो में हमने क्या किया था, पहली टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे, जिस जिस टाइप से कौन से परसेंटेज को तोड़ना, फ्रैक्शन बनाना, सब कुछ हो गया था। अगर किसी ने ना देखी हो तो पहली वीडियो देखें, उसके बाद दूसरी पे। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं टाइप सेकेंड में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर एक्स वाई से 25% अधिक कमाते हैं, अधिक कमाता है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम कमाता है। हमें बताना है कि अगर एक्स वाई से 25% अधिक कमाता है तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम कमाता है। अब मैंने बताया था पहले कि यदि हमें परसेंटेज दे रखी हो तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, उसको हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। अब 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। अब इसका मतलब हो गया कि ये 25% कौन कमाता है, एक्स ज़्यादा कमाता है, तो वाई अगर 4 रुपये कमाता है, वाई ने कमाए 4 रुपये, तो एक्स कितने कमाएगा, 5 रुपये। भाई इसका जोड़ोगे इसमें 25% ज़्यादा के लिए, ऊपर वाली वैल्यू जुड़ेगी, तो 4 का 25% कितना होता है, 1। तो x कमाता है 5 रुपये, y कमाता है 4 रुपये। अब हमें पूछा जो है वो है y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है। यहाँ y कितना कितना कम कमा रहा है, 1 कम कमा रहा है। x के रेस्पेक्ट में पूछा तो नीचे किसको लिखेंगे, x, और 1/5 का हमें पता है कितना होता है, 20%। तो क्या हो गया कि y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है, 20% कम कमाता है। भाई देखो क्या करना था, अगर x y से 25% अधिक कमाता है तो y x से कितने प्रतिशत कम कमाता है। अब हमने 25% को फ्रैक्शन में तोड़ा तो क्या आ गया, 25% के कितनी फ्रैक्शन आई, 1/4। अब y अगर 4 रुपये कमाता है तो x कितने कमाएगा, 5 रुपये। तो कितना डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 1 का, किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, x के रेस्पेक्ट में, x से कितना प्रतिशत कम कमाता है, तो 1 रुपये कमाता है। अगर परसेंटेज निकालनी हमें तो नीचे क्या लिखेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा है वो, 1/5 का हमें पता है, पहली वीडियो में बताया था 1/5 कितना होता है, 20%। तो एक्स वाई से वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम कमाएगा, 20%। अगला दूसरा क्वेश्चन है इस प्रकार, यदि पी Q से 6 गुना है तो QP से कितना प्रतिशत कम है। अब हमें बताना है यदि PQ से 6 गुना है तो QP से कितना कम है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इस लाइन का मतलब PQ से 6 गुना है, यदि Q 1 है तो P कितना है, 6। उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें पहले वाले में क्या कह रहे थे, डिफरेंस देखा, इनका डिफरेंस कितना है, 5 का, किसके रेस्पेक्ट में, P के रेस्पेक्ट में, 6/5, ये कितना परसेंट हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 1/6, 1/6 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 16/2/3। तो 5 गुना में 16/2/3 परसेंट कितना आ गए, 16/5 = 80। यहाँ कितना, 5 को क्या करोगे, 2 से गुणा, 10/3। अब हम इसे 10/3 ना लिख के, जैसा कि पहली वीडियो में बताया, 10/3 ना लिख के हम इसको क्या लिखेंगे, पूरा भाग कहाँ तक गया, 3 तक, 3 * 9, 3 यहाँ ऐड हो जाएगा और शेष जो बच गया वो यहाँ पे। तो Q है वो P से कितना प्रतिशत कम है, 83/1/3%। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि x y से 16/2/3% कम कमाता है तो
वाई एक्स से कितना प्रतिशत अधिक कमाएगा, कितना प्रतिशत अधिक कमाता है। अब वही बात फिर हम क्या करेंगे, परसेंटेज को उठाएंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कितना आ गया 16 से 2/3% को हम कितना लिख सकते हैं, 1/6। अब इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि एक्स वाई से 16 से 2/3% कम कमाता है। अगर वाई कमाता है 6 रुपए, वाई ने कमाए कितने 6 रुपए, तो एक्स कितने कमाएगा, इसका 6 का 16 से 2/3% कम। 6 का 16 से 2/3% मैंने क्या बताया था कि हमेशा जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वह क्या होगी, परसेंटेज वैल्यू। अब इसमें से क्या करेंगे, हम घटाएंगे तो कितने आ गए 5 रुपए। अब हमसे पूछा है कि वाई एक्स से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है, यहां डिफरेंस कितने का, 1 का। किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, एक्स के रेस्पेक्ट में। 1/5 की वैल्यू कितनी थी, 20%। 1/5 की वैल्यू कितनी होगी, 20%। क्लियर। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे। इससे जो अगली टाइप होगी वो होती है एरर की, कि किसी संख्या को इतने से गुणा करना था, इतने से कर दिया, तो जो आंसर आएगा उसमें कितने परसेंट का एरर आएगा, कितना परसेंट कम या ज्यादा आएगा। तो टाइप थर्ड जो है वो है एरर की। एरर हिंदी में क्या कहते हैं इसको, त्रुटि। इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से आते, देखो पहला क्वेश्चन है, किसी बच्चे ने, किसी विद्यार्थी ने किसी संख्या को 3/4 से गुणा करने के बजाय, गुणा करने के बजाय 4/3 से गुणा कर दी। तो रिजल्ट में कितने प्रतिशत की त्रुटि आई, त्रुटि आएगी। अब हमें इन क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है, हम देख रहे हैं यहां क्या कह रहा है कि 3/4 से गुणा करनी थी और गुणा कर दी हमने कब, किससे, 4/3 से। आंसर तो गलत आएगा, तो कितने प्रतिशत गलत आए, कितना प्रतिशत सही आया वो देखने के लिए हम क्या करेंगे। देखो एक तो तरीका है कॉमन, ये हम मान लें कि जो संख्या है वो क्या है, एक्स। हमने मान लिया एक्स संख्या है, तो हमने पहले गुणा करवानी थी 3/4 से। अगर एक्स की संख्या गुणा करवाएं तो हम कितना आएगा, 3x/4। और हम गुणा कर रहे हैं किससे, 4/3 से। अगर 4/3 से हम एक्स की गुणा करवाएं तो कितना आ गया, 4x/3। आना क्या चाहिए था, 3x/4, आ गया कितना, 4x/3। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसके बटे में अगर हम सही आंसर कर दें और गुणा में 100% में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमारी क्या आ जाएगी, 30%। वो बढ़ेगी या घटेगी, अब 3/4 बड़ा है या 4/3, 4/3, मतलब जो त्रुटि आएगी वो बढ़ेगी। अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो कितना आ गया, 4x/3 - 3x/4। एलसीएम कितना आया, 12। 16x - 9x कितना आ गया, 7x/12। ये जो आया वो आया एरर, कि हम इतना ज़्यादा आ गया हमारा आंसर। अब उसको हम करने के लिए क्या करेंगे, इसके बटे में जो हमारा सही क्या आना था, 3x/4, सही क्या है, गलत। सही गुणा किससे करें, 3/4 से, 3/4, 3x/4। इसमें इसको 7x/12 / 3x/4 करके गुणा में 100 कर दें तो हमारी क्या आ जाएगी, परसेंटेज। लेकिन ये मेथड कहाँ तक पहुँच गया, अब यहाँ पे सॉल्यूशन में दिक्कत आएगी, गुणा में, काटने, भागने में। हमें ये तरीका ना लेके, हमें कौन सा तरीका लेके चलना है, हम करेंगे इसको कैसे, जो हम परसेंटेज में करते हैं आज तक, कि हमें सिर्फ फ्रैक्शन पे ध्यान देना है और किसी पे नहीं। 3/4 से आता हमारा क्या, सही आंसर। गलत आंसर किससे आया, 4/3 से। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेंगे, नीचे वाली संख्या का 4 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 12। हम मान के चल रहे कि संख्या क्या थी, 12। हम इसको अगर 12 से गुणा करवाते, इसको 12 से,
चार तिया 12, आना कितना चाहिए था 9, आया कितना 16, आया कितना 16, गलत कितना है 16, आना कितना चाहिए 9, डिफरेंस कितने का 7 का, 7/9। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, डिफरेंस कितना है 7/9, 9 क्या है जो ओरिजिनल जो हमारा रिजल्ट आना था वो, लेकिन आया कितना 16, डिफरेंस कितने का 7 का, 7/9। इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 7 × 1/9, 1/9 की फ्रैक्शन कितनी बताई थी 11 सही, 1/9 कितना आ गए 77 सही, 7/9% ये आ गया इतने का एरर, 77 सही 7/9% का एरर, लेकिन ये घटाया बड़ा। अब यहां देख रहे हैं हम ओरिजिनल रिजल्ट क्या है, ओरिजिनल जो आना चाहिए 9, आ कितना रहा है, आउटकम जो हमारा आया वो कितना है 16, तो बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, तो ये परसेंटेज वैल्यू एरर में बढ़ेगी, हमारा आंसर कितना बढ़ेगा 77 सही 7/9%। ठीक है, इसी प्रकार चलो एक और करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, किसी संख्या को 7/9 से गुणा करने की बजाय 9/7 से गुणा कर दो, तो रिजल्ट में हुई त्रुटि, रिजल्ट में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, कितने प्रतिशत की त्रुटि। अब इसमें हम क्या करेंगे, सही किससे था 7/9, गलत किससे 9/7, 9 और 7 का एलसीएम कितना 63, अब इसको हम क्या करेंगे 63 से गुणा, 63 से कितना आ गया 7/49, ये कितना आ गया 9/81, आना चाहिए 49, आ गया कितना 81, कितना डिफरेंस, कितना दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया 32, किसके पे 49 के पे, गुणा में परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए गुणा में 100, कितना परसेंट आ गए डायरेक्ट कर लो इसको, 32 ऐसे कर लो 32 × 1/49, अब 1/49 की फ्रैक्शन, अब देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, इतना तो हमें पता ही नहीं, हम कहाँ तक याद रख सकते हैं, मैक्सिमम 1/20 तक। अब इसको क्या करोगे, हम इसको लिख सकते हैं 1/49 को कितना 1/49 × 100, 100/49 कहाँ तक गए 2 तक, 2 शेष कितना बचा हमारा 2 से 2/49, यहाँ हम क्या कर देंगे 32 से गुणा, 32 × 2 सही 2/49, पहले 32 की गुणा यहाँ पे कितना आ गया 64, फिर ऊपर 64/49, 64/49 को क्या लिख सकते हो 1 तक जाएगा 65, शेष कितना बच गया हमारे पास 5 × 54 = 15, 15/49, कितने प्रतिशत की त्रुटि आई 65 सही 15/49, बढ़ाया घटा क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो प्लस, तो हमारा जो आंसर है वो कितना बढ़ जाएगा 65 सही 15/49%। तो इसमें यही करना है, इस प्रकार के एरर के कोई भी क्वेश्चन आए इतने से गुणा करने की बजाय इतने से कर दिया, तो हम क्या करेंगे नीचे वाली वैल्यू जो होंगी 2, उन दोनों का एलसीएम लेंगे और वही संख्या मान लेंगे कि यही संख्या आएगी, ठीक है, उसके बाद उससे गुणा करने के बाद आंसर बढ़ रहा है घट रहा है वो देखेंगे, और परसेंटेज वैल्यू हमेशा कब किस पे निकलेगी जो ओरिजिनल होगी उस पे। अब नेक्स्ट टाइप हमारी आती है एरिया के ऊपर, क्षेत्रफल के ऊपर, कितना बढ़ेगा कितना घटेगा कितना प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, अगर किसी आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दे और चौड़ाई 20% घटा दे तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले लो लंबाई का, जो लंबाई है वो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है इसमें 37 सही 1/2%, इसको हम अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, भी वैसे करके देखो 75 75 बटे
दो, परसेंट हटाने के लिए 100, 25 या 75 25 तो कितना हो गया 3/8, 3/8। मतलब अगर पहले आयत की लंबाई 8 थी तो दूसरे आयत की लंबाई 37 सही, 1/2% बढ़ के 8 का 37 सही, 1/2% कितना 3 बढ़ के दूसरा आयत हो गया। अब अगर पहले आयत का मान उसी हिसाब से हम चौड़ाई देखें, चौड़ाई देखोगे चौड़ाई बढ़ा रहा है कितना 20%, घटा रहे हैं घटेगी 20% घटा रहा है, ये बढ़ा रहा है और ये घटा रहा है। अब 20% की वैल्यू कितनी होगी 1/5। अब इसमें क्या है कि अगर पहले की चौड़ाई 5 थी तो दूसरे की चौड़ाई कितनी है 1 ना, दूसरे की चौड़ाई कितनी हो जाएगी सॉरी 4। तो अब पहले आयत के हिसाब से देखें हम, आयत पहला जो आयत होगा वो उसकी लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई कितनी है 5। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल कितना है 40। इसी प्रकार दूसरा जो आयत है आयत 6 उसमें क्या है कि उसकी लंबाई कितनी है बढ़ेगी 3, कितनी होगी 11, और उसकी चौड़ाई घटेगी 1, 4, कितना हो गया 44। अब यहाँ क्षेत्रफल बढ़ रहा है कितना 4, कितने पे 40 पे 1/10, 1/10 का मतलब कितना 10%, 10% क्षेत्रफल इसका क्या होगा बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू क्षेत्रफल की बढ़ रही है, 40 से कितना हो गया 44। तो जितना अंतर आया जितना बड़ा और जितना आना चाहिए था उस वो बटे में बराबर किसके परसेंटेज। अब कितनी वैल्यू आई इसकी 10%, कितना क्षेत्रफल बढ़ा 10%। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इसको हम क्या कैसे करते हैं, 40 वही बात है, सबसे पहले क्या उठाओ फ्रैक्शन, 40% कितने के बराबर, 40% कितने के बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं हम 40/100 कितना आ गया 2/5, 2×2=4, 2 कितना आ गया 2/5। अगर पहले वर्ग की भुजा 5 थी तो दूसरे वर्ग की भुजा कितनी होगी 7, क्योंकि यहाँ क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं, बढ़ेगी इतनी, तो पहले की भुजा कितनी होगी 5, दूसरे स्क्वायर की भुजा कितनी होगी बढ़ेगी 7। अब हमें जैसे पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा का स्क्वायर। अब इसका क्षेत्रफल कितना हुआ 25, 5 का स्क्वायर कितना 25, इसी प्रकार इसका क्षेत्रफल कितना हुआ 7 का स्क्वायर 49। अब क्षेत्रफल कितना बढ़ा 24, कितने पे 25 पे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा, 25 के 100 24 के 96, तो क्षेत्रफल में 96% का क्या होगा इंक्रीमेंट, 96% बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ 25 था, 25 से कितना हो गया 49, तो इस वजह से क्या हो गया डिफरेंस कितना है 24 का, 24 बढ़ा बटे में जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो, हमेशा किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में, 24/25 गुणा 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो गुणा में 100, कितना आ गया 96%। चलो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, करीब अगला क्वेश्चन है, किसी आयत की भुजा मापने में लंबाई 10% कम कर दी गई, ज्यादा कर दी गई, और चौड़ाई 20% कम कर दी गई,
तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या करना है हमें? किसी आयत की भुजा मापने में लंबाई 10% ज्यादा कर दी और चौड़ाई 20% कम कर दी, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमें बताना है। तो वो क्या हो गया, देखो लंबाई वही जो पहले क्वेश्चन में क्या था, कितना आ गया 10%। 10% को हम कितना लिख सकते हैं, 1/10। अगर पहले की भुजा 10 थी तो दूसरे की भुजा कितनी, 11। तो लंबाई और इसी प्रकार चौड़ाई 20% कम कर दी, 20% का मतलब कितना, 1/5। अगर पहले की 5 थी तो दूसरे कितनी होगी, 4। तो पहला आयत, आयत पहला, इसकी लंबाई कितनी 10, चौड़ाई कितनी 5। इसी प्रकार आयत दूसरा आएगा जो हमारा, पहली, इसकी लंबाई कितनी होगी, बढ़ रही है 11, चौड़ाई घट रही है 4। इसका क्षेत्रफल हमें पता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई कितना आ गया 50। इसका क्षेत्रफल कितना आया 44। इसका क्षेत्रफल कितना आया 44। दोनों का डिफरेंस कितना, 6 का, कितने पे आना कितना चाहिए, 50 गुणा में 100, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए कितना आ गया 12%। तो ये जो 12% है वो घटाया बढ़ा, यहाँ क्षेत्रफल घट रहा है बढ़ रहा है, 50 से 44 हो गया घट रहा है, तो मतलब 12% उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आगे बात समझ में आई, होप वीडियो पसंद आई होगी आपको। आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।